लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्म दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। केदारनाथ, वैसे आने को तो हम आठ से नहीं आए थे, लेकिन जैसे ही बाबा के दरबार पहुँचे, कब हम आठ से अनेक हो गए पता ही नहीं चला। सुबह 4 बजे से लाइन में खड़े थे, लेकिन फिर भी न जाने क्यों एक उत्सुकता और उतावलापन सा था मन में। पता नहीं क्यों मन वश में नहीं था। चारों दिशाएं मानो भोले के जयकारे में डूब गया था। चारों दिशाओं से बस एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, भोले भोले। मानो पूरी सृष्टि बस इसी इंतजार में थी कि बस भोले के दर्शन हो जाए। देखिए लाइन में हम लोग लग चुके हैं, अंदर जो है वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, अलाउड। अब तो ये उत्सुकता और उतावलापन बस भोले की झलक पाकर ही खत्म होनी थी। तो भाई फाइनली अपने दर्शन हो गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं सीधा ऊपर भैरव बाबा के मंदिर पे दर्शन करने के लिए। वहाँ पे यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करना पड़ेगा और वहाँ जाना पड़ेगा। तो अब निकलते हैं ऊपर, दर्शन बहुत अच्छे से हुए, टाइम मिला, थोड़ा सा भीड़ हो रखी है लेकिन दर्शन ठीक से हो गए। मैं कहा तो अब मेरे को ही यहाँ पे ना चक्कर के आ रहा, पार नहीं जाने दे रहे अब जाना पड़ेगा कहीं और से अपने चार्ज से देख के। हाँ यार वो भाई जी मेरे को देख ही नहीं रहे, हमारे साथ वाले बंदे थे एक। चलो यार निकलने तो दे दिया है भाई, निकल गए और अब जाता है कैंप की साइड। कैंप में थोड़ा सा पैकअप करना है कैंप को, फिर हम लोगों को जाना है ऊपर जैसे कि मैंने बताया। और यार आप ना आओ यहाँ पे, क्या है ना रात में 12 बजे से लाइन लग जा रही है, उस टाइम बाद ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए, है ना। अभी तो थोड़ा यू नो भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से सब लोग एक तरीके से मतलब समझते हैं ना, सबके रहता है कि मन में यार हम भी जाएँ, हम भी चले जाएँ पहले पहले, तो ये चीज़ है। तो भाई हम कैंप में आ गए हूँ मैं अपने, ये हम लोगों ने कैंप सेटअप किया हुआ था यहाँ पर पूरा, और ये है हमारे सामने मंदिर, अमेजिंग सा व्यू। तो चलो थोड़ा पैक सैक करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताना था कि केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए क्यों बंद किए जाते हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए 2 रीजन के चलते बंद किए जाते हैं, जिसमें पहला कारण लोकल मान्यताओं के चलते हैं। कहा जाता है कि जब केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद होते हैं तो मंदिर में जो पूजा अर्चना होती है वो हमारे पितृ करते हैं। और दूसरा रीजन, सेफ्टी पर्पज़ के चलते भी ऐसा किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन 6 महीनों में केदारनाथ मंदिर के आसपास के सभी पहाड़ों पर इवन मंदिर पर भी बर्फ की कई फीट ऊंची परत जम जाती है, जिसका यह भी एक मुख्य कारण है मंदिर के कपाट को बंद करके रखना। केदारनाथ आपदा 2013 में चौड़ाबरी टाल, जो कि बिल्कुल ठीक केदारनाथ मंदिर के पीछे, वही एक केंद्र बिंदु था जहां से 2013 में भयानक बाढ़ आई थी। इस बाढ़ ने न जाने कितनी तबाही मचाई, लेकिन शिव जी के मंदिर का बाल भी पाकर न कर पाई, और वो संभव हुआ था इस भीमशिला की वजह से। भगवान ने अपनी ऐसी माया दिखाई और रख दिया भीमशिला को बिल्कुल मंदिर के पीछे, जिसकी वजह से मंदिर की और मंदिर में घुसे लोगों की भी भगवान ने रक्षा करी। देखो एक बार हमें दोबारा से कौन मिले, मैं दिखाता हूँ आपको, मिल गए हम लोग उनसे। और ये रे जय सिंगल जी, उनके शॉर्ट चल रहे हैं ना, तो इस वजह से उनको डिस्टर्ब करना बेकार है तो बाद में मिलेंगे, अभी तो आप यही हो ना, अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो हमें मिले हैं जय सिंगल जी, और भाई उनकी वीडियोस अनबिलीव, तो चलते हैं और ऊपर फिर उनसे बात करते हैं। केदारनाथ यात्रा से जुड़ी इम्पोर्टेंट 2 बातें। पहली, केदारनाथ आने का सबसे अच्छा टाइम अगस्त से अक्टूबर का है, और सबसे बेस्ट टाइम सितंबर। यही महीने हैं जब केदारनाथ में मौसम खराब कम होता है और ठंड कम पड़ती है। इस टाइम रूम्स भी जल्दी और अच्छे प्राइस पर अवेलेबल हो जाते हैं,
और दूसरी, केदारनाथ आने से पहले अपने पास पूरा कैश रख करके आए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर समय नेटवर्क का इशू रहता है, जिसकी वजह से ऑनलाइन पेमेंट करने में भी दिक्कत होती है। अब जा रहे हैं बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करने। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक है बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर तक पहुँचने के लिए। फाइनली भैरव मंदिर में पहुँच गए। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। क्या हो गया, मेरे दोस्त ना आगे चले गए थे, मेरे को दौड़ दौड़ के आना पड़ा। तो चलो दर्शन करते हैं पहले, फिर उसके बाद मिलते हैं। भैरवनाथ जी, यह है भैरवनाथ जी का मंदिर। कहते हैं बाबा भैरवनाथ जी केदारनाथ मंदिर और पूरी केदारनाथ वैली के रक्षक के रूप में यहाँ पर विराजमान। और जैसा हम सब जानते हैं कि भैरव शिव का ही अंश है और उनके रौद्र रूप का प्रतीक है। पुरानी कुछ कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन करने के बाद बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। और यह भी कहा जाता है कि अगर आपने बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन नहीं करें तो वह यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो जब भी बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने आए तो बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करके ज़रूर जाएं। सो गाइस, मैं ना अभी उस टॉप पे जा रहा हूँ। मेरे जो दोस्त हैं वो सब नीचे रुक गए, क्योंकि यार उनके लिए वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता, बोल रहे थे कि टफ हो जाएगा। लेकिन मेरे को भाई आपको लोकेशन दिखानी है और मैं जाऊँगा जरूर। तो मैं चल रहा हूँ, टाइम तो लगेगा क्योंकि बहुत हाइट पे। अभी मैं थोड़ा सा भाग के आया तो इसलिए थक गया हूँ, लेकिन कोई नहीं, तो चलो वहाँ मिलते हैं। तो भाई टॉप पे पहुंच गया, देखनी जन्नत, लेकिन सुंदर सा खूबसूरत सा व्यू जो हमें वहाँ से दिख रहा था, अब मैं नज़दीक से आपको दिखाऊंगा। देखो ये है वो व्यू, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है यार। कई सारे लोग यहाँ पे आ रखे हैं ये पॉइंट पे। उस पॉइंट पे भी जाऊंगा मैं आगे, अभी थोड़ा थक के थोड़ा यहाँ पर बैठता हूँ, रेस्ट करता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। और मज़ा आ रहा है, ठंडी नहीं हवाएं चल रही है, इतनी भी ठंडी नहीं है लेकिन नॉर्मल है, ठीक है। तो भाई नीचे का व्यू देखो, नीचे कितना मस्त लग रहा है, नीचे देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है नीचे पूरा। वह देखो केदारनाथ धाम। अब यहाँ से मुझे नीचे जाना है, उस ब्रिज तक पहुँचना है, लेकिन उससे पहले इस वैली को जी भर के देख लूँ। इस टॉप से इस वैली को देखकर अलग सी तरंग थी मन में, कि मानो जैसे किसी को अपना पहला प्यार मिल रहा हो, कि मानो जैसे बच्चे को अपना पहला खिलौना मिल रहा हो, कि मानो जैसे हमको अपनी मंजिल मिल रही हो। कहते हुए तो बहुतों को सुना था कि केदारनाथ में स्वर्ग से हवा आती है, पर आज मुझे महसूस करते हुए देख लो, क्या अब भी बताना पड़ेगा? जाने का मन तो ना था, पर इस एहसास को, इस पल को अब तक भी तो लाना था, तो लगा ही दौड़ नीचे की ओर और कई खूबसूरत नज़ारों को अपने इस दिल के कैमरे में कैद करने के लिए और अपनी इस खूबसूरत सी जर्नी को आपके मोबाइल और टेलीविज़न तक पहुंचाने के लिए नीचे आना ही पड़ा। सो गाइस, जस्ट अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ। मेरे दोस्त जो हैं सबको लोग नीचे वेट कर रहे हैं, वो लोग तो इस रास्ते से आ गए और मैं आ गया इधर से, क्योंकि हम हैं पहाड़ी। तो भाई एक लाइन है, जहाँ ना चढ़े गाड़ी वहाँ पहुँचे पहाड़ी। तो अपने को तो कोई दिक्कत नहीं, अपने लिए ट्रेन ये पूरे रास्ते नॉर्मल है। तो अब जस्ट थोड़ा क्या होता है ना, डाउन में आते टाइम पैर थोड़े से कांपते, लेकिन हाँ अगर आपको आदत नहीं है तो आप इस रास्ते से बिल्कुल भी नहीं जाएं और ना ही उतरें, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। वो तो हम लोग थोड़ा सा आदत है, हम लोग को इस वजह से आ जाते हैं, वरना आप लोग बिल्कुल भी ट्राई मत करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। सो बिल्कुल भी ट्राई मत करो। तो चलो चलते हैं नीचे, और टेंट की भी यार पैकअप शैकअप करना है, क्योंकि अब हम लोगों को ना जाना है बद्रीनाथ, तो सारी तैयारी करनी करके रखनी पड़ेगी ना। तो
चलो। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने दर्शन वगैरह कर लिए और ऊपर भैरव जी से भी आ गए हम लोग। और हम लोगों ने यार सबसे बढ़िया हमें जो एक्सपीरियंस मिला ना, इस कैंपिंग का एक्सपीरियंस मिला और भोलेनाथ की कृपा से हम लोगों को रात में सारे रजाई वगैरह भी मिल गई थी और बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में मिली हुई है और यहीं पर ही नज़दीक में ही है। और इन रजाई का जो हमने रेंट दिया है वो 200 पर रजाई दिया है, तो बहुत चीपेस्ट था, बहुत चीपेस्ट प्राइस था। और क्या है ना कि आपको ये सस्ता भी मिल सकता है, लेकिन हम लोगों ने ना जीरो टाइम पे गए थे तो इस वजह से थोड़ा सा वेरी करता है रेट हमेशा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, चीप भी मिल सकता है आपको। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने ना अपना कैंप वगैरह सेटअप जो है हमारा जो लगा रखा था वो पैकअप कर लिया है और अब हम लोग निकल रहे हैं सीधा नीचे गौरीकुंड के लिए। और यहाँ से हम लोगों का प्लान है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं जाऊँगा अब यहाँ से बद्रीनाथ भी हम लोग जाएंगे, तो एक बार ज़ोर से जयकारा लगाते हैं भोलेनाथ का और नीचे गौरीकुंड के लिए निकलते हैं। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। हम लोग कुछ लेकर गए हो या ना गए हो, पर चेहरे पर खुशी, माथे पर बाबा का त्रिशूल और सर पर बाबा का आशीर्वाद, बस यही चाहिए था बाबा के दरबार से, जो कि हम सब लोग भर भर के ले जा रहे थे अपनी झोली में। बस आपको भी बाबा के दरबार में इस एटीएम के भरोसे नहीं आना है, बस मन में एक ही नाम, बाबा बाबा बाबा, जय शिव शंभू। और मैं आशा करता हूँ कि जिस प्रकार से हम सब की यात्रा बाबा की कृपा से पूरी हुई, वैसे ही आप लोगों की भी यात्रा पूर्ण हो जाए। तो भाई देखो, अब हम लोग ना नीचे जा रहे हैं गौरीकुंड के लिए और हमारा एक बंदा, उसकी जाना ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, तो उसको हमने बिठाया घोड़े पे, लेकिन वो बोल रहा है मेरी हो रही हालत ख़राब, उसको ना उसको ये मंजूर है पैदल जाना लेकिन घोड़े में जाना मंजूर नहीं है, ज़बरदस्ती बिठाया बड़े मुश्किल से, लेकिन डर तो लगता है जब डाउन में जाता है ना घोड़ा, लेकिन कोई नहीं चले आएंगे अब। और देखो मौसम देख रहे हो कितना फॉगी फॉगी सा हो रहा है, चारों तरफ फॉगी फॉग है, पूरा फॉग से भरा पड़ा है, देखो अमेजिंग। और देखो कितनी लंबी कतार है इधर बाहर की, तो चलो अपडेट करते रहेंगे बीच बीच में, चलते हैं नीचे सीधा। तो गाइस अभी हम ना फिलहाल रामबाड़ा में पहुंच गए, रामबाड़ा का ये पुल है और यार ये ना बहुत डरावना टाइप का ब्रिज है, ऐसे भाई ऐसे हिलता है ऐसे, सीरियसली। और इसमें ना ज़्यादा वेट होना ना भाई मुझे लगता है खतरे का निशान है, देखो मतलब डर डर के जाना पड़ रहा है भाई उस पुल से। और देखो मैं ना आपको इधर का बहुत रूप दिखाता हूँ, कितना तेज धारा बह रही है। तो अभी क्या है ना, सीन ऐसा है कि हम लोगों का जो ग्रुप है आधा ग्रुप जो है वो पीछे रह रखा है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे ना थोड़ा वेट कर लेते हैं और इस नेचर को भी देख लेते हैं तसल्लीपूर्वक, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना हमारे को एक ही सुरूर था कि हम लोगों को ऊपर पहुँचना है और थक भी बहुत ज़्यादा रखे थे, तो इसलिए ज़्यादा व्लॉग मैंने किया नहीं। तो अभी उनका वेट कर रहे हैं, थोड़ा हम लोग भी तब तक रेस्ट कर रहे हैं। अभी क्या हुआ मेरे साथ कि मैं जब आ रहा था ना नीचे, तो भाई ये देखो ये सीन, मैं ना गिर गया भाई, स्लिप कर गया, क्योंकि हम लोग ना शॉर्टकट लेते हुए आ रहे थे, तो वो पूरा रास्ता जो शॉर्टकट है वो पूरा रास्ता जो है मिट्टी से भरा हुआ, तो इसलिए मैं गिर गया, लेकिन चोट नहीं लगी, ठीक था। और एक और थे जो हमारे आगे चल रहे थे वो भी गिरे भाई, उनका ना ये यहाँ से ये चीज़ ना ये चीज़ डिसलोकेट होगी सीरियसली, तो शॉर्टकट बारिश के टाइम पर तो लो हूँ मैं, क्योंकि अब दो केस हो गए, एक मेरा एक उनका, तो आगे आपको तो क्या ही बताना है ना, समझाने की जरूरत नहीं। तो चलो अभी चलते हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ रुकते हैं, वहाँ उस वाले एरिया पे रुकते हैं, कुछ खा पी भी लेंगे और फिर और उनका वेट भी हो जाएगा तब तक, तो चलो बढ़ते हैं आगे, लेट्स गो। सो गाइस ये ब्रिज है, अब जा रहे हैं इस पे से और देखना ये कितनी तेज़ी से हिलता भाई, ये देखो उस सब के आराम से आराम से, अरे अरे आराम से। तो देख लो भाई ये झूला पुल है, झूला पुल, जिस दिन ये जाओ जाओ चलो भाई, तो भाई उल्टे उल्टे पहुंच गए। जाओ
कोई कोई तो उसे जानबूझ के ला रहा है। अच्छा सर, ये जो एंट्री है ये कितने बजे के बाद बंद हो जाती है? 2 बजे के बाद बंद हो जाती है। और जैसे मौसम खराब है तो थोड़ा जल्दी भी हो जाएगी। अच्छा, मौसम खराब है तो जल्दी भी हो सकती है। अच्छा ठीक है, तो भाई देखिए यहाँ पे अगर आपको आना है तो 2 बजे से पहले एंट्री करनी पड़ेगी। अगर आप 2 बजे के बाद आते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो चलो, अब तो हम लोग एग्जिट कर चुके हैं तो निकलते हैं बाहर। थैंक यू सर। ओके। तो भाई इस तरीके से जा रहे, गाड़ी वाड़ी का बड़ा सीन तगड़ा हो रखा है। बड़ा कल का सफर हमारी जिद पर बना हुआ है और ये जिद हमें कहाँ तक ले जाती है ये देखना बाकी है। और हाँ, आप भी इस जिद का हिस्सा हैं तो सफर में बने रहें। तो मिलते हैं कल के सफर में। और हाँ, अगर आपको हमारी जर्नी पसंद आई तो इस जर्नी को शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए जय भोले। और भाई ये देखो, केदारनाथ यात्रा हमारी ऐसी चल रही है भाई, पैदल जाना पड़ रहा है। बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है इधर चारों तरफ देखो। अब क्या है ना कि पहले तो हम लोग ट्रक में बैठे हुए थे और ट्रक ना खिसक ही नहीं रहा था आगे, तो इस वजह से अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि पैदल चलते हैं। ज़्यादा दूर भी नहीं है शायद, तो पैदल ही चलना पड़ेगा। भाई इतनी भीड़ लगी हुई है भाई, इतनी भीड़, मेरे को कितना भीड़ है। तो ये जाने वाले जो गाड़ी है ना, ये तो अब यहीं पर ही रुक चुकी है। और आप देखो यहाँ से भी रुद्रप्रयाग 74 किलोमीटर का और गुप्तकाशी 31 किलोमीटर। तो हमें लोगों को जाना है गुप्तकाशी। चलो यार, भीड़ बहुत है, आगे मिलते हैं, ठीक है। सो गाइस, फाइनली हम लोग ना सोनप्रयाग पहुँच गए और टाइम लगभग हो गया 9:45। हम लोग ना थोड़ा घूमते घूमते फोटो वोटो खिंचवाई तो इसलिए लेट हो गया। और राइट नाउ हम लोगों ने अपनी बाइक्स जो है ना निकाल लिया पार्किंग से, अब हम एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से। हमारे हमारे ग्रुप के जो एक मेंबर हैं वो आई डोंट नो कहाँ गई हैं, वो थोड़ा उनको ढूंढ रहे हैं। तो जैसे ही वो आएंगे हम लोग निकलेंगे घर के लिए। तो पहुँचते हैं घर पे। और आज यार मुझे लगता है आज मैं एडिटिंग कर लूँ और कल सुबह तक शायद से व्लॉग डाल दूँ। तो चलो मिलते हैं सीधा घर पे, लेट्स गो। हर हर महादेव।